दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट क्या है तो से है तो आप मोस्टली ऐसे पर्सन हैं लोग हैं जो यही बताएंगे कि इंटरनेट के ऊपर जो हम वेबसाइट देखते हैं या यूट्यूब के ऊपर जो चीज़ें हम सर्च करते हैं या इंटरनेट के ऊपर जिस चीज़ को हम असेस कर सकते हैं वो बेसिकली हमारा इंटरनेट है बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप जो इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे हैं या इंटरनेट को देख रहे हैं या जिस इंटरनेट को यूज़ करते हैं अपनी डेली सोशल लाइफ में ये इंटरनेट का बहुत ही छोटा हिस्सा है और अगर इस चीज़ को ब्रीफली तरीके से देखा जाए तो इंटरनेट इतना बड़ा है कि आप उसकी कल्पना यानी कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते तो यहां पे अगर देखा जाए तो इंटरनेट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है सरफेस वेब उसके बाद आती है डीप वेब उसके बाद आती है डार्क वेब बेसिकली दोस्तों इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ आप जाके सर्च करते हैं जिसको आप देखते हैं या आप इंजॉय करते हैं मूवीज़ हो जाती हैं कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेस वेब और उसके बाद अगर हम जिस चीज़ की बात करें वो आती है डीप वेब डीप वेब में ये होता है कि उसमें हमारी जो इंटरनेट की चीज़ें

आज से पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली होगी किसी से सुना होगा या इसके ऊपर आपने लॉग इन किया होगा इसके ऊपर काम किया होगा लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रियलिटी हैं बहुत सारी चीज़ें जो वो मिथ हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डार्क वेब की रियलिटी क्या है इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा हेलो गाइज मेरा नाम है अदनान आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो डार्क वेब के रिलेटेड जानते हैं और बहुत सारी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन को हकीकत मानते हैं और समझते हैं कि वाकई रियलिटी में डार्क वेब के ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं तो आज हम इसके बारे में अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल के साथ हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे अपने माइंडस के थॉट्स को क्लियर करेंगे कौन सी चीज़ जो है वो रियलिटी है कौन सी चीज़ जो है वो मिथ है जिसको हमें अंडरस्टैंड करके इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि डार्क वेब जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है तो इसके लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें ताकि ईच इन एवरी डार्क वेब के रिलेटेड आपको मालूम हो सके दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें डार्क वेब के रिलेटेड तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि डार्क वेब जो है वो सरफेस वेब से बहुत ज़्यादा बड़ी है लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा क्योंकि डार्क वेब जो है वो बहुत ही छोटा हिस्सा है यहाँ पे अगर हम कैपेसिटी की बात करें लिमिट की बात करें कि डार्क वेब के ऊपर कितनी वेबसाइट जो हैं वो चलती हैं तो ढाई लाख से जो है वो तीन लाख या तकरीबन जो है वो पाँच लाख के करीब जो है इसके ऊपर वेबसाइट जो है वो चलती हैं अगर हम तीनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करें यानी कि सरफेस वेब डीप वेब और डार्क वेब तो सरफेस वेब जो है और डीप वेब जो है ये बहुत ही बड़ा है डार्क वेब से यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ हम क्लियर करते हैं कि जो सरफेस वेब है या डीप वेब है ये आपस में जो है वो इक्वल नहीं है बहुत सारे लोग समझते हैं ये एक ही चीज़ है लेकिन सरफेस वेब जो होती है वो और चीज़ होती है और जो डीप वेब है वो और चीज़ होती है यानी कि जो भी आप इंडेक्स फाइल जो है वो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो वो आपके सर्चिंग में नहीं आती और अगर दोस्तों हम डीप वेब को और गहराई के साथ एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं तो आप मान लीजिए कि आप के पास एक जी का अकाउंट है और जी की आई जो है उसका पासवर्ड और यूजर नेम के ऊपर सेस भी आपकी है तो जैसे ही कोई मेल आती है आपको तो आप ही सिर्फ उस चीज़ को देख सकते हैं अगर मैं या कोई और पर्सन उसको देखें जिसको उसका पासवर्ड का नहीं पता तो वो इंडेक्स फाइल कहलाता है यानी कि डीप वेब कहलाता है क्योंकि वो चीज़ आप ही रीड आउट कर सकते हैं जिसके पास उसका पासवर्ड नहीं है वो उस चीज़ को ना देख सकता है ना उस चीज़ को ओपन कर सकता है यानी कि आपका यूजर नेम पासवर्ड और आपकी आइड्स वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म म्स के रिलेटेड और अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं डार्क वेब की तो डार्क वेब जो है वो डी वेब और सरफेस वेब से बहुत ही ज़्यादा मुख्त है इसको आप एक स्पेशल ब्राउजर से जो है वो असेस कर सकते हैं जिसको टोर बोलते हैं बाजार तो लोगों को ये होता है कि हम डार्क वेब में अगर इंटर करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जो है वो आ, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं ठीक है उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं हैकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है वहाँ पर अगर अच्छे लोग हैं तो वहाँ पर बुरे लोग भी हैं ठीक है अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं कि वहाँ पर आप किसी चीज़ को सर्च करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सिंपल पे कोई वेबसाइट वेबसाइट से उसको आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों बहुत सारे केसेस में आपने इस चीज को देखा होगा यूट्यूब के ऊपर आपने सर्च की होगी तो आपके सामने कोई वीडियो आई होगी तो वहां पर वो बता रहे होंगे कि डार्क वेब को सेस करना उसके ऊपर लॉग करना किसी प्राइवेट ब्राउजर के थ्रू तो वो इलीगल है और आपने इस चीज़ को माना भी होगा आर्टिकल्स में भी आपने पढ़ा होगा और इन्फॉर्मेशन भी इसकी ली होगी डार्क वेब को असेस करना इलीगल बिल्कुल नहीं है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलीगल उस चीज़ में आप अगर डार्क वेब को आप यूज़ कर रहे हैं तो डार्क वेब को आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं ठीक है उसमें आप कर रहे हैं उसमें आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आप हैकिंग के रिलेटेड जो है वो उसमें आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि गलत हैं तो इस वजह से उस चीज़ को इ माना जाता है तो या यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप डार्क वेब के ऊपर आपने इसको लॉग इन किया है स्पेशल ब्राउज़र से तो वहाँ पे आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि वाकई में इलीगल है तो आप ऐसे में फँस सकते हैं आपको जेल हो सकती है ठीक है आपको बहुत सारे मसले मिसाइल का सामना करना पड़ सकता है लेकिन यहाँ पे अगर आप डार्क वेब को अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसमें कोई मसला नहीं है फिर इसमें कोई परेशानी नहीं है ठीक है आप अच्छे तरीके से जो आप काम करना चाहते हैं अपनी सिक्योर टी पॉलिसीज के रिलेटेड तो वो आप कर सकते हैं और यहाँ पे देखा जाए तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पे यही बताते हैं कि डार्क वेब को यूज़ ना करें क्योंकि वहाँ पे कुछ अगर बंदा ठीक काम भी करे तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपके सामने आती हैं जिसमें प्रॉफिट जो है वो अच्छी मकदार में नज़र आता है बंदे को और बंदा कहता है ये चुटकीयों में ये काम हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा क्योंकि मनशियात वगैरह मर्डर्स के रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं ठीक है वो चीज़ें वहाँ पर सरेआम होती हैं तो यहाँ पर थोड़ा सोर्स जान लेते हैं कि डार्क वेब जो है उसमें कौन कौन से काम सर अंजाम दिए जाते हैं वहाँ पे जितने भी किस्म का नशा है वहाँ पे उसकी डीलिंग होती है वहाँ पे अगर किसी का मर्डर होना हो तो उसकी डीलिंग होती है ठीक है वहाँ पे किसी को पेमेंट सेंड करनी हो तो उसकी डीलिंग होती है ठीक है पेमेंट सेंड करते हैं सामने पिक्चर सेंड करते हैं तो जितने टाइम रिक्वायर्ड हो उस टाइम के हिसाब से उस बंदे का इंकाउंटर कर दिया जाता है ठीक है तो वहाँ पे बहुत सारी जो है वो मिस एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं क्योंकि वहाँ पे किसी भी चीज़ का जो है इंरॉल नहीं होता जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस के रिलेटेड हो क्योंकि वहाँ पे जो है वो काला बाज़ार है तो वहाँ पे इसलिए इस चीज़ का नाम जो है डार्क वेब रखा गया है तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि डार्क वेब को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप तो इसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी बनी है कि वो कहते हैं कि डार्क वेब को आप बहुत मुश्किल से यूज़ कर सकते हैं ये है इशू वो है इशू तो ऐसा कोई नहीं है ठीक है आप एक वो एक सिंप सिंपल ब्राउजर जिसको टोर बोलते हैं ठीक है वो आपने इंस्टॉल करना है उसके बाद आपने वहाँ से डार्क वेब जो है उसके ऊपर आपने असेस कर लेनी है उसके बाद जैसे आप गूगल के ऊपर किसी चीज़ को सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वैसे ही आपने उस चीज़ को सर्च करना है और जो भी आपके थिंकिंग के रिलेटेड जो भी आपका काम होगा उस काम को आपने सर अंजाम दें और अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर टोर ब्राउज़र की जो कि प्राइवेट होता है ठीक है उसके ऊपर कोई भी हमें चार्जेस वगैरह नहीं पड़ते एकदम फ्री होता है जस्ट आपने इंस्टॉलेशन उसकी करनी है उसको आपने यूज़ करना है तो यूज़ करने के बाद इंटरनेट के ऊपर जो भी आपको डार्क वेब के रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो आप इजीली उसके ऊपर एसेस कर सकते हैं उसको आप देख सकते हैं उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बड़ा मसला है ये एक मिथ है जो कि लोग इस चीज़ को मानते हैं कि क्योंकि उनके माइंड में रॉन्ग इन्फॉमेशन किसी ने ऐड कर दी गई है डिफरेंट वीडियोस आर्टिकल्स ठीक है देख देख के तो यहाँ पे ये माना जाता है कि डार्क वेब के ऊपर जितना भी काम होता है वो इलीगल होता है और गलत काम होता है लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है ये एक किस्म की मिथ है जो कि आपके माइंड में सेट कर दी गई है डार्क वेब के ऊपर गलत काम भी होते हैं लेकिन अच्छे काम भी होते हैं प्राइवेसी के रिलेटेड बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी होती है जो कि आप ट्रांसक्शन कर सकते हैं पेमेंट की ठीक है आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं प्राइवेट मीटिंग्स कर सकते हैं ठीक है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो है मीटिंग्स को सिक्योर कर सकते हैं तो डार्क वेब में ये काम भी होता है और डेफ़िनेटली अगर आप किसी गलत काम को करते हैं तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी डिसएडवान्टजेस में आएंगे जिससे आपको नुकसान हो सकता है अगर आप अच्छा काम करने के लिए डार्क वेब को यूज़ करते हैं तो आपके लिए कोई मसला मसाल नहीं है अगर हम इस चीज़ को भी देखें कि यहाँ पे जो हैं अच्छे पर्सनस जो हैं वो कितने हैं क्रिमिनल्स कितने हैं जो मर्डर हैं वो कितने हैं तो यहाँ पे जितनी तादाद जो है वो अच्छे लोगों की है उतनी ही बुरे लोगों की भी है अगर अच्छे लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे तो बुरे लोग भी आपको वहाँ मिलेंगे डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप वेबसाइट पे जाके कौन सा काम करना चाहते हैं अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो अपनी कन्वर्सेशन को पेमेंट को सिक्योर करने के लिए डार्क वेब का यूज़ करते ताकि उनको ट्रैक ना किया जाए किसी किस्म की जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ ना बने और वो प्रॉपर तरीके से अपने काम सर अंजाम दे सकें तो दोस्तों ये थी रियलिटी और मिथ जो कि डार्क वेब के रिलेटेड थी जो कि बहुत सारे लोग सच मान बैठते हैं आज मैंने डिफरेंसेस जो हैं वो क्लियर किए हैं कि रियलिटी क्या है और मिथ क्या है ठीक है तो आई होप आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा अगर आपको इस चीज़ के रिलेटेड कोई और फॉर्मेशन चाहिए या नेक्स्ट वीडियो कौन सी मैं अपलोड करूँ तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं जो भी आपके एरर्स हैं जिस टॉपिक के ऊपर न्यू वीडियो आपको चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग